हरिद्वार पुलिस ने आज सरवननाथ नगर में छापा मारकर एक सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 8 लड़कियों और 6 लड़कों को हिरासत में लिया है। हरिद्वार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर 2 होटलों में छापा मारा, जहां पुलिस को देह व्यापार करती हुई 8 लड़कियां और 6 युवक मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीओ प्रकाश देवली ने बताया कि पिछले काफी दिनों से सेक्स रैकेट संचालन की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर कोतवाली निरीक्षक चंद्रभानवा मायापुर इंचार्ज रमेश सैनी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्यवाही की। पुलिस के मुताबिक यह लड़कियां होटल संचालक के साथ मिलकर देह व्यापार कर रही थी। देखिए, पहले तो बड़े शर्म की बात है कि हमारी धर्मनगरी में ऐसे सेक्स रैकेट जो है वो कुछ लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें आज सूचना मिली थी कोतवाली पुलिस को कि सोमनाथ नगर के जो 2 गेस्ट हाउस है, स्मृति गेस्ट हाउस और सिंधु गेस्ट हाउस, इसमें कुछ लोग जो है ये सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इस पर हमारी टीम गई और दोनों जगह हमने लगभग 2 टीमों ने हमारी छापा मारा रेड दी। तो इसमें स्मृति गेस्ट हाउस में हमें 2 लड़कियाँ मिली जो देह व्यापार से बताई जा रही, और सिंधु गेस्ट हाउस में हमें 6 लड़कियाँ मिली। इन गेस्ट हाउसों को जो संचालित करने वाले लोग थे, चाहे वो मैनेजर हों चाहे वो लीज पे उन्होंने लिया हो, उन लोगों को भी हमने पकड़ में लिया है, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और इनके सारे संज्ञान में था और ये इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका था। ये जो लड़कियां आते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष ने यहाँ पर सेक्स कराने के लिए लाया हुआ था, सेक्स रैकेट चलाने के लिए, या ये अपनी स्वेच्छा से आई होंगी? देखिए, ये जहाँ तक अब तक जानकारी मिली, क्योंकि अभी इनको पकड़ के लाए थे और जब तक इनका अता पता पूछना और चुनने जरूरी थी, समय भी थोड़ा कम था, थोड़ा सा भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और तभी पता लग पाएगा। लेकिन जहाँ तक प्रथम दृष्टिया ये है कि ये सब लोग अपनी इच्छा से जो है, ये अपनी इच्छा क्या मतलब, देह व्यापार में ये लोग लिप्त हैं। होटल मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई? हाँ, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से, जो भी वैधानिक कार्रवाई है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि न्यूज के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप।